दोस्तों स्टॉक मार्केट निवेशकों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी आ गई है और वो भी एक नहीं बल्कि दो दो। मोदी सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया जा रहा है 2024 मार्च से ही। जो भी स्टॉक मार्केट से निवेशक जुड़े होंगे उन सभी को ये फायदा मिलने वाला। अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं और आप अपने महीने की कमाई का तनख्वाह का एक कुछ हिस्सा कुछ परसेंटेज मार्केट में निवेश करके अच्छा खासा रिटर्न भी कमा सकते हैं। खैर वो आप पर निर्भर करता है। देखिए बड़े अपडेट क्या है मैं आपको बता देता हूं। अच्छा इससे पहले आपको बताऊंगा, कल शाम को मैंने आपको एक रिपोर्ट बताई थी, G20 देशों के भी होश उड़ गए। अमेरिका और चीन को भी पीछे छोड़ भारत इस मामले में नंबर वन बन गया। और देखिए वो किस मामले में नंबर वन बना। बीते 10 सालों का अगर ग्राफ देखे ना तो भारतीय स्टॉक मार्केट जो है ना, भारतीय बाजार, वो अमेरिका और चीन को भी पीछे छोड़ते हुए दुनिया में सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला मार्केट बन गया है। ग्लोबल मार्केट में भारत के बाजार का दबदबा यूं ही नहीं है। और मैं आपको आए दिन खबरें बताता रहता हूं। पता हर महीने 40,000 करोड़ रुपए, 50,000 करोड़ रुपए विदेशी निवेश, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो आता है हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में। जरा सोचिए, दुनिया के दूसरे देश, विदेशों के लोग बाग हमारे भारत के स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे हैं। लेकिन बड़े दुख की बात है, हम में से ज्यादातर भारतीय लोगों को इस बारे में नॉलेज ही नहीं है। देखिए आंकड़े कहते हैं अमेरिका में एवरेज 61% लोग बाग जो है ना वो स्टॉक्स में निवेश करते हैं, यानी 100 में से 61 लोग। लेकिन यही रेशियो अगर इंडिया का देखा जाए तो मात्र 3% पॉपुलेशन जो है ना वो स्टॉक मार्केट में निवेश करती है। खैर ये बहुत डिटेल की बातें, फिर कभी चर्चा करेंगे। अभी देखिए नया अपडेट क्या है सरकार की तरफ से। देखिए आप तुरंत अकाउंट में क्रेडिट होंगे पैसे और शेयर। पहले 1 घंटे का सिस्टम लागू करने का फैसला किया सरकार ने, अब इंस्टेंट ट्रेड सेटलमेंट नियम लागू करने की तैयारी में है सेबी। अभी जो मौजूदा समय में हमारे मार्केट में नियम है वो ट्रेड सेटलमेंट का T+1 का नियम है। T+1 का मतलब इसमें डील्स का सेटलमेंट कारोबारी दिन यानी ट्रेडिंग डे के एक दिन बाद होता है। यानी अगर आप आज कोई शेयर खरीदते हैं तो वह डीमैट अकाउंट में कल क्रेडिट होंगे। इसी तरह से आज अगर कोई आप शेयर बेचते हो तो उसका पूरा पैसा कल आपके ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट होगा। हालांकि पूरी दुनिया में ये सिस्टम लागू करने वाला भी पहला देश हमारा भारत ही है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में T+1 सेटलमेंट सिस्टम के बारे में बात करते हुए सेबी चेयरपर्सन ने ये बात कही। लेकिन अब जो सरकार नया बदलाव ला रही है उससे लोगों के पास सीधा एक्सचेंज का एक्सेस होगा। देखिए सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच का कहना है कि हम ऐसा मैकेनिज्म बना रहे हैं जिसमें लोगों के पास सीधे एक्सचेंज का एक्सेस होगा। लोग एक्सचेंज के पास से अपने ट्रेड का सेटलमेंट करा सकेंगे, क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा होता है ब्रोकर का सिस्टम डाउन होने पर लोग अपने शेयर को खरीद बेच नहीं पाते हैं। ऐसे में सीधे एक्सचेंज का एक्सेस होने पर लोग खुद ही अपने शेयर को बेच खरीद पाएंगे। सेबी डायरेक्टर का कहना कि इस तरह के सेटलमेंट के नियमों में बदलाव करने की तैयारी हो रही है। मंगलवार को ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 में उन्होंने संबोधन देते हुए दुनिया भर में ये अनाउंसमेंट कर दिया कि भारतीय स्टॉक मार्केट में अगले साल मार्च 2024 तक ट्रेड सेटलमेंट के समय को कम करके मात्र 1 घंटा कर दिया जाएगा। और मार्च के बाद फिर अक्टूबर 2024 तक तो इसे इंस्टेंट रियल टाइम ट्रेड सेटलमेंट सिस्टम बना दिया जाएगा। सेबी डायरेक्टर का कहना है कि डील्स को घंटे भर में सेटल करने की टेक्नोलॉजी तो भारत के पास पहले से ही है, बस इसे केवल लागू करना है जो मार्च 2024 में हो जाएगा। और तुरंत सेटलमेंट की बात करें तो इस सिस्टम में कुछ सुधार की जरूरत है जिसमें अभी 6-8 महीने का समय लग सकता है। तो कुल मिलाकर के निवेशकों को अब इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा। इस हाथ से क्लिक किया आपने, उस हाथ से आपका शेयर, स्टॉक बाय सेल जो भी किया, पैसा क्रेडिट डेबिट हैंड टू हैंड, जैसे अभी आप UPI से पेमेंट करते हो ना, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे के जरिए, किस तरह से इंस्टेंट सेटलमेंट होता है बिल्कुल वैसे ही होगा सेबी का स्टॉक सेटलमेंट भी। और दोस्तों अगर आप चाहते हो कि मैं स्टॉक मार्केट से जुड़े वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, कैसे आप निवेश कर सकते हैं, कैसे क्या प्रोसीजर रहता है, इस तरह की वीडियो आगे DLS न्यूज पर लाता रहूं, तो आप मुझे कमेंट करके यस लिखिएगा कमेंट में। आगे मैं आपको फिर स्टॉक के निवेश की रिकमेंडेशन भी दूंगा। जैसे कई बार ऐसी रिपोर्ट आती है 5 शेयर में तुरंत खरीद लो, बेच लो, निवेश कर दो, अच्छा रिटर्न मिल सकता है। हालांकि गारंटी तो इनमें नहीं होती है, लेकिन फिर भी एक स्टॉक एनालिसिस करके, कंपनी के एनालिसिस करने के बाद अनुमान लगाया जा सकता है। तो इस तरह की इन्फॉर्मेटिव जानकारी अगर आप भविष्य में DLS न्यूज पर देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे यस DLS भाई जरूर लिखिएगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, और मेरे मन में कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।